हुई। जैसा कि मैं अपनी बात करूं तो हम जब एकजुट में आए थे उससे पहले बाजी के बारे में जो बताया जाता था हमको कि नादिरा बब्बर जो है ना वो जब रिहर्सल करती है ना तो एक हाथ में हंटर होता है और दूसरे हाथ में सिगरेट होती है, ऐसे सिगरेट पीती है और बोलती चलो करो ठीक से नहीं किया तो हंटर से मारती है। तो जब पहली दफा हमें बुलाया गया दर्पण मिश्रा जी के जरिए कि आप आइए, तो बहुत डर लग रहा था हमें, भाई नादिरा बब्बर जी के बाद पास जाएंगे कैसे, बताया गया फुंकार है। लेकिन किसी तरह से हम पहुंचे और जब पहुंचे तो देखा था बिल्कुल ही बरक्स विपरीत थी बिल्कुल। और हमारा सौभाग्य ऐसा रहा कि उस वक्त बच्चों की एक वर्कशॉप चल रही थी और उसमें हमने उनके साथ में एक डेढ़ महीना काम किया, तो जो बच्चों के साथ उनका जो हम तो मतलब बच्चों को झिड़क देते थे, अरे क्या ये परेशान कर रहा है, चला पीछे बाजी वहां से, अरे अजी कैसी बातें कर रहे हो बच्चे हो। आखिर में होते होते ऐसा हुआ कि बच्चों के साथ वो प्रोडक्शन भी करना पड़ा हमें, और प्रोडक्शन में फिर बच्चे हमसे इतने घुल मिल गए हैं बाजी की वजह से कि एक जो आनंद मिश्रा जी थे वो करने वाले थे, बड़ा रोल उसमें था प्रिंसिपल का, जो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर होता है वो करने वाले थे और वो नहीं कर पाए तो वो हमें करना पड़ा। जब मैं बच्चों को डांटता था तो बच्चे हंसते थे, यार सर क्या मैम क्या सही नहीं रहा डांट नहीं रहा, क्योंकि वो चेंज जो हमें बाजी के जरिए आया था वो बच्चे उसको विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये हमें डांट सकते हैं। परफॉर्म किया था उसके बाद सगुबाई किया, सरिता जी ने उसको परफॉर्म किया, वो अभी तक चल रहा है। उसके बाद नाटक किया था, नाटक लिखा उन्होंने सुमन और सना, ये वो परिवेश में था जिसको ऑलरेडी त्रिपाठी ने बताया था, कश्मीर और गुजरात को, तो दोनों उसमें हमने मतलब नादिरा जी ने इस बात का ख्याल रखा था कि नाटक जो है वो आतंकवाद के विरुद्ध है, नफरत के विरुद्ध है, लेकिन हमने जिन लोगों के जरिए नफरत फैलाई जा रही थी उनको हमने कुछ नहीं कहा। हमने ये कोशिश की थी कि जो लोग नफरत के बावजूद अभी जी रहे हैं उनको जीने दिया जाए, कैसे उनके साथ सुलूक किया जाए, उनको मोहब्बत से उनको अपने पास रखा जाए, और वो एक छोटी सी बच्ची के जरिए सुमन और सना के जरिए किया गया। फिर नाटक लिखा जी जैसी आपकी मर्जी, जिसके बारे में भी त्रिपाठी जी ने बता दिया है। उसके बाद किया ऑपरेशन क्लाउड बस्ट, ये ऐसा नाटक था जो भारतीय हमारी जो आर्मी है फौज है उसके और उल्फा के जो आतंकवादी हैं, जो एक उग्रवादी वो है संस्था है, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए उनकी जो भी परेशानियां हैं हमारी जो परेशानियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए नाटक हमने ओपन किया था, और जिसको ओपन करना था हमें पृथ्वी थिएटर में 26 जुलाई को, और 26 जुलाई को जो है पूरा हमारा वो बम्बई जो है पानी में जलथल हो गया था, और इसको ओपन किया हमने गुवाहाटी में जाकर, गुवाहाटी में ओपन किया, वहां पे उल्फा वाले भी आए थे देखने के लिए नाटक, हमारे जो लाइट मैन जो लाइट कर रहे थे उनके पीछे खड़े हैं और गलती से उनका जो एक ऐसा तमंचा जो है उनको लग गया थी तो उनकी लाइट ही नहीं हो पा रही थी, डरे हुए थे वो, ये हमें बाद में पता चला। लेकिन जब उन्होंने नाटक देखा जब उनकी भी बातें उसमें थी, आर्मी वालों की भी बातें थी, हमने अपने इसमें जो है नागरा जी ने बिल्कुल भी कोई कमी नहीं महसूस की कि हम अपने जवानों के बारे में जरा सा भी कम उसको आके, उनके बारे में भी कहा था हमारे बारे में भी कहा, लेकिन हमारे जवानों को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ रखा। ऐसे बहुत सारे नाटक अभी ऑलमोस्ट 12-13-14 नाटक बाजी ले चुके हैं। हाल ही में एक नाटक था यार बना बड़ी, जिसको यशवंत शर्मा जी ने परफॉर्म किया था,
सज्जाद खान और चिन्मय दास तीन कलाकारों का ये नाटक है। ये नाटक है दोस्ती पे। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो समाज के हमारे जो रिश्ते होते हैं उनसे बिल्कुल भी अलग है। इसमें मामा भांजा पति पत्नी सास दामाद ऐसा कोई जो है रिश्ता नहीं होता है। दोस्ती ऐसा रिश्ता होता है जो किसी से भी किया जा सकता है, कभी भी छोड़ा जा सकता है। और उसी नाटक उसी रिश्ते को उन्होंने एक नाटक में किस तरह से पेश किया है उसकी एक झलक हम देखते हैं। ये हैं मिथिलेश जी, ये परफॉर्म करेंगे मिठू का रोल जो यशपाल जी करते हैं, और मानव पांडे हैं वो करेंगे जय का रोल जो सज्जाद खान करते हैं। बाहर से खरीद के लाता है, आउट ऑफ इंडिया से, और वो कुछ 1 करोड़ उसमें खर्च कर देता है। और ये बात मिठू को पसंद नहीं आती, जो उसका दोस्त है, बचपन का दोस्त है, उसको पसंद नहीं आती। तो यार तू 1 करोड़ एक घड़े के ऊपर कैसे खर्च कर सकता है? जय आज की डेट पे बहुत बड़ा डॉक्टर जो इस तरह की चीजें करता है। और एक बार मिठू और जय मिठू को घड़ा दिखा चुका है, अब दोबारा मिठू उसके घर में आया है ये घड़ा देखने के लिए और समझने के लिए और आपस में बात करने के लिए कि हुआ क्या है। तो ये इसकी वहां से शुरू होता है। की खासियत यह है कि बचपन में ये कहीं कांदे वेली और ऐसी जगहों पे रहते थे और अब ये तीनों तरक्की करके अलग अलग लोगों से शादी करके अलग फाइनेंशियल स्टेटस पे पहुंच चुके। उसमें से एक जो है जो सबसे पटीचर हुआ करता था अब सबसे बड़ा करोड़ों करोड़ों हो चुका है, ले चुका है जापान में जाके। वो एक एंटीक जापानीज खड़ा खरीद के लाता है। मतलब इतने नकली हम लोग सब हो चुके हैं उस तरह का समाज कि नकली मतलब लाने चीज से हम हिंदुस्तान के होते थे, हमारा हेरिटेज हमारा हिंदुस्तान, शायद जितने हमारे बड़े आर्टिस्टिक ऐसी चीजें सबसे ऊंची जगह पे अगर मैं दुनिया में किसी मुल्क को रखूंगी तो शायद अपने हिंदुस्तान वो लाए हैं वहां से। लेकिन अब वो बदल चुके हैं बिकॉज ऑफ टू मच मनी। तो ये जो तीनों दोस्त महीनों महीनों में मिलते अब ये यहाँ मिले हैं और उस घड़े की एक्साइटमेंट में उसने अपने बाकी दोनों दोस्तों को बुलाया और वो समझता है कि ये जो घड़ा है ये जो अपने दोस्तों को दिखा रहा है एंड मेनी रिवील्स कि मेरा जो घड़ा है वो इतने इतने उसका है। तो ये तीनों दोस्त जब मिलते हैं तब आपस में फिर ये कैसे इनकी कलई खुलती है और वो दोस्त जो बहुत ही नकली हो चुका था वो कैसे चेंज इन तीनों दोस्तों का, दो दोस्तों का आप कॉन्वर्सेशन जो बातचीत होती है उसको मैं बताना चाहती थी कि आप उसको समझ सके ताकि बैकग्राउंड पता चले। उस पॉल को इतनी पास से देख के क्या क्रैश कोर्स करेगा? ठीक है इधर आ जाएगा, तू कितनी पास से उससे मत दे, इधर आ। क्यों? अरे यार मैं आराम से तुझको बाद में समझाऊंगा, सुन। बाय द वे तूने ये किताब पढ़ी है? कौन सी? ये वाली माय लाइफ माय एक्सप्रेशन। किसने लिखी है? समझ में आ गया भाई, साकीरा सोजो सातो। नहीं आंद्रे लुका मित्रिच। अबे तीन नाम वाले कितने हैं भाई तेरे पास? ये बहुत गलत बात। अच्छा सॉरी। इसे पढ़ो, और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जैसे दिमाग की सारी खिड़कियां खुल जाती है, खड़ा हर बात सिंबल में कही गई है, डायरेक्ट नहीं। हाँ सही बात है, अब सीधे सीधे अपनी बात कह दो या लिख दो तो वो भी कोई लिटरेचर हुआ, कोई साहित्य जैसे कबीर प्रेमचंद रविन्द्रनाथ टैगोर। नहीं नहीं वो भी ठीक है, ठीक है अच्छा, मगर जो बात इसमें है ना वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सर्डिज्म, वो मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ,
मास्टरपीस है, मास्टरपीस कमाल है। हाँ, जैसे ये खड़ा नहीं पॉल, एकदम मीनिंगलेसनेस, मीनिंगलेसनेस। अब तू सही लाइन पे आ रहा है बेटो, अब तू सही लाइन पे आ रहा है। पता है जे, कल मैं पुणे जा रहा था एक साइट देखने, सारे रास्ते तुम्हारे बारे में सोचता रहा। कुछ तो बात है जय, जय में और जय की पर्सनालिटी में एक बहुत ही अनोखी सी पोएटिक सी बात। अच्छा, हाँ, क्या क्या बात है? सही, ऐसी आवाज, ऐसी बातें, नहीं 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 नहीं, ये एटीट्यूड तुझ पे सूट नहीं करता है। मिट्टू पे तो वही सूट करता है, वो डिशम डिशम लड़ाई करने वाला। नहीं नहीं जय, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? दरअसल दरअसल जय, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। यार माफी? हाँ, किसकी? ऐसे ही मांग लेते ना दोस्तों से माफी। हाथों से बनाया है यार, तुम आर्टिस्ट कुछ अजीब तरीके से नहीं कहते हो? नहीं मतलब तुम आर्टिस्ट की जगह मूर्तिकार भी कह सकते हो, या फिर उसका नाम ले लो, क्या नाम था, सकीरा साथ में सोलो? नहीं, सकीरा सो सो साथ में। हाँ, वो ही सकीरा। सॉरी। तो नहीं मतलब यार, अब देखो, कहते हो नहीं, कैसे कहते हो? नहीं, तुम बन के कहते हो ना, बन के कहते हो। नहीं, मुझे बताओ ना, मैं कैसे कहता हूँ? अरे यार, अब रहने दो यार। वो अच्छा, हम लोग कौन सी फिल्म जा रहे थे देखने? क्या जा रहे थे? पत्थर के होंठ। पत्थर के होंठ, अरे अरे अरे, जिसमें वो एक्टर अब्दुल खान है। भाई साहब, कितने अवार्ड मिले भाई साहब को? अच्छा? क्या साइलेंस होल्ड करते हैं? घंटा साइलेंट होल्ड करता है, कुछ करता ही नहीं है, ऐसे मुंह बनाकर खड़ा हो जाएगा 2 मिनट तक। अब भैया आप सोचते रहिए कि ये सोच क्या रहे हैं। ठीक है। नहीं, कुछ फिल्मों में उन्होंने बेहतरीन काम किया है। ये तो है। हाँ, बेहतरीन काम किया है। तुम वो क्या कह रहे थे कि मैं आर्टिस्ट बड़े अजीब ढंग से बोलता हूँ? जैसे वो आसमान से कोई उतरी हुई चीज है, कोई भगवान है। मेरे लिए सकीरा सोजो सातो भगवान ही है। तुम सोचते हो कि मैंने इतनी सारी दौलत सिर्फ एक इंसान के लिए खर्च कर दी? कमाल है जय, कमाल, ग्रेट। आई एम प्राउड ऑफ यू माय फ्रेंड। मैं अपने लिए ड्रिंक बना रहा हूं, तुम्हें चाहिए? बना। ये कह के मैं उस पार्टी से चला आया। कारू को भी कहा, चल इस पार्टी में हमारी जरूरत थी। दूसरे दिन जय का फोन आया, सॉरी बोल, सबके सामने पूरी महफिल में मुझे बास्टर्ड कहा, मुझे बकवास कहा, और अकेले में फोन पे सॉरी कह दिया। उस दिन मुझे लगा शायद हमारे बीच कुछ टूट सा गया है। Press the bell icon on YouTube app and never miss another update.